So, bringing a beautiful morning with beautiful energy, with beautiful zeal, the beautiful sharings, beautiful uh, uh, outcomes out of your life, like how much you are having the positivity coming into your life. And when we say positivity, like I have done it many times, you have done it many times so I don't know, when the fire is about to go can we control the voices? सो so, जब आग बुझने वाली होती है कभी कभी कोई चीज़ होती है बॉन्न फायर हो गया या लोरी पे हो गया या कभी मैं पहले हवन करती थी हवन में होता था ये तो जब आग बुझने वाली कई बार होता है कि आग लगने के वक्त भी एक छोटी सी चिंगारी होती है पर वो चिंगारी को ठीक तरह से लगाते रहो उसके बार उसको हवा चाहिए होती है थोड़े से उसको एयर देते रहो या जैसे भी करके कई बार हवा से भी चिंगारी सुलग जाती है देर सो मैनी लाइफ लाइफ मतलब लाइफ के अंदर तो कैसे वो छोटी सी चिंगारी बढ़ते 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 धीरे धीरे प्रचंड अग्नि बन जाती है एंड कई बार वो जब अग्नि बुझने वाली होती है तो उसको फिर से थोड़ी से हवा दे दो या थोड़ा सा उसको जो भी हल्का उसे लेफ्ट राइट से कुछ करना होता है तो कुछ कर दो तो वो फिर से दोबारा से प्रचंड मतलब प्रज्वलित अग्नि बन जाती है एंड दिस इज हाउर लाइफ इज कई बार हमारी लाइफ में छोटी छोटी चिंगारियां हो रही होती हैं छोटी छोटी हमें चाहिए तो बड़ी वाली फायर मतलब कुछ गजब का कुछ धमाका चाहिए पर वो धमाका उस फायर से ही निकलेगा आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड वो करो तो सही उसको आगे तो बढ़ो हवा तो दो उसको हवा तो दो उसको हवा तो दो मत, हवा तो दो का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा उठाओ उसको थोड़ा थोड़ा मतलब उसको अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मल्टी डायमेंशन उसको पावर देने की जरूरत होती है ताकि वो छोटी सी छोटी सी चिंगारी जो आज छोटी लग रही है पर आप उसके साथ इतनी पॉजिटिविटी रखो इतनी पॉजिटिविटी आज आपकी लाइफ में छोटी सी पॉजिटिविटी हुई है पर आपने उसी पॉजिटिविटी का धागा पकड़े 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 आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे इट्स सच अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड एक दिन आप भी बोलोगे कितना आसान था कि हो गया कि मैंने पा लिया हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सेड इट कि मतलब आप कोई चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो आप उसको चाहते हो चाहते हो चाहते हो, चाहते हो और एक दिन आपने वो पा ली और जब आपने पा ली और पीछे मुड़ के देखते हैं तो मतलब ये हो गया जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था तड़प रही थी या इतना जो भी था परंतु जब आपने उसको राइट फॉर्मूला से फिट किया जो आपको शुरू में लगा कि पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा पर आपने विश्वास बनाए रखा बनाए रखा जो भी फॉर्मूला है बनाए रखा उसके साथ और धीरे धीरे करते 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 एक दिन आप पहुंच गए मतलब आई आई लुक बैक इन लाइफ लाइक मतलब कई बार ना ऐसे वाली याद आती है जैसे कि मतलब कई बार ऐसी चीजें याद आती हैं जिंदगी के अंदर की वो क्या था फिर वो जिसमें इतना तड़प थी इतना इतना प्यास थी वो क्या था फिर वो क्या था जहां पर एक सही तरह से माइंड को सेट करके अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखा और उसको शेयरिंग में रखा उसको उसको बनाए रखा प्रैक्टिस को बनाए रखा और फिर ये क्या है ये वो है जो तुमने सोचा था वो मिल गया और ये तो उससे भी ज्यादा मिल गया किसी भी एरिया के अंदर किसी भी एरिया के अंदर तो और वो जब मिल जाता है उसके बाद पीछे मुड़ के देखते हैं मिल गया आई मीन दिस दिस पर्टिकुलर फीलिंग ना ये जो लाइफ की होती है ये वाली ये हो गया ये मिल गया ये, मिल गया। ये मेरी फेवरेट है <laughs> ये मेरी फेवरेट फीलिंग है मतलब कि इस फीलिंग को फील करने के लिए कई बार मैं अपने टारगेट्स रखती हूँ क्योंकि ये जब हो जाता है ना वो चीज और फिर वो आपको जो एक्सपीरियंस होता है अपने बारे में अपने 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 खुद के बारे में एक जो मजा आता है हाउ मेनी यू यू फील वेन यू रियली गेट दैट थिंग डन उसके बाद जो अपने बारे में एक लेवल अप होता है मतलब ये नहीं कि हमें कोई अहंकार है पर मतलब आपको एक, अपने अपने ऊपर एक, एक भरोसा बढ़ता है अपने ऊपर एक भरोसा बढ़ जाता है मतलब कि और ये जितने भी लोग सोचते हैं ना कि ये तो कर लेता है इसको आता है इसको क्यों क्योंकि क्यों उन लोगों ने लाइफ में कई बार अपने आप को वर्ड दिया है अपनी पॉसिबिलिटीज बनाई है अपने ड्रीम्स बनाए हैं फिर जो भी फॉर्मूला सेट करके बनाकर प्रैक्टिस करके उसको पाया है और जितनी बार भी वो पाया है ना उनका खुद पे भरोसा बढ़ गया है खुद पे भरोसा इसको कहा जाता है और वो क्योंकि वो जो भी किया उनको पता है उनको उन्होंने सही फॉर्मूला सेट करके किया है और धीरे 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 जब आप खुद पे खुद पे भरोसा करने लग जाते हो आपका इस कायनात पे सृष्टि पे सृष्टि के निर्माता पे यू रियली गेट इच्छा के साथ साथ सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना और उस शक्ति को प्रकट करना जो आप में है जैसे जैसे आप अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाओगे यू विल सी द पावर इन साइड यू यू विल फील द पावर इन साइड यू बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी अहंकार और दम्ब और एरोगेंस when we say the God is inside me पर कब जब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज को अपने खुद के बलबूते के ऊपर करते 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 उस मुकाम तक पहुंचो का किस मुकाम तक जहां पर जाकर तुम्हें लगता है कि, okay,

ट पावर छोटी चिंगारियां जो निकलती हैं ना इनको भी इज्जत देना इनको भी प्यार देना थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइफ में आई इतना भी हो गया कि आपने आज आप सुबह सोचा था कि शाम को मैं गोल गप्पे खाऊंगी और आपको सच में गोल गप्पे खाने को मिल गए आपने सोचा था जो भी जो आपने पहले सोचा था ये नहीं की एकदम से कोई चीज हो गया पर जो आपने सोचा बोला मैनिफेस्ट किया और फिर वो आपकी जिंदगी में आई बिकॉज़ ऑफ़ योर गुड एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज इतनी छोटी छोटी चीजों को भी जब आप रैलिश करते हो थैंक यू करते हो शुक्राना करते हो स्लोली स्लोली इट विल इट विल एक्सपेंडेड साइज एक्सपेंडेड साइज एक्सपेंडेड साइज क्योंकि आप जब तक उसको बोलोगे नहीं अगर किसी और को नहीं बोलना कम से कम शीशे में जाके बोलो कि थैंक यू थैंक यू वेरी मच मतलब कि मतलब आप कितने अच्छे हो मतलब मैंने मॉर्निंग में सोचा था आज मेरे मुंह में पानी आ रहा था गोलगप्पे खाने का एंड मैं सुबह सोचा वाओ गोलगप्पे का टेस्ट कितना है, अच्छा होता है उसको खाने में में कितना मजा होता है और आज आपने शाम कितने सारे गोलगप्पे खिलाए आई एम सो थैंकफुल टू यू आई एम सो ग्लैड आप मेरी जिंदगी में इतना कुछ मेरे लिए करते हो तो शीशे में जाकर उस पावर को थैंक यू कर दो यार पब्लिकली नहीं करना आता ऑनलाइन नहीं करना चाहते क्यों कुछ तो उसको लगे कि वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप एकज कर रहे हो क्यों पागल होते हैं लोग जो माता रानी के जगराते रखते हैं जिंदगी में माता रानी के जगराते चौंकियां रखते हैं जैसे कि साईं बाबा के कीर्तन रखते हैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग करते हैं कभी सुना आपने मतलब कि लोग करते हैं हाउ डू यू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि अगर आप आप किसी किसी पावर को मानते हो और वो पावर आपके लिए कुछ कर दे मतलब कि आप जैसे सपोज आप फॉर एग्जाम्पल जिसको भी मानते हो हाँ आप देखो ना आप किसको मानते हो अगर आप माता रानी को मानते हो फॉर एग्जाम्पल और माता रानी ने आपकी इच्छा पूरी कर दी हाँ ये जो भी आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी लिया है तो फिर आप उसके बाद जगराते नहीं कराते हैं लोग चौकियाँ जगराते कीर्तन टाइप्स जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है वो यही तो होता है उनका पब्लिकली थैंक यू करना उनके साथ पब्लिकली लोगों को मतलब लोगों सब ज्यादा ज्यादा लोगों के सामने उस शक्ति को थैंक यू करना उनकी जय जयकार करना अब आपके लिए कुछ भी ये शक्ति करे पावर करे हाँ आपकी जिंदगी में मेरी चले एक रोटी तक एक्स्ट्रा ले आई और आप उसका जय जयकार ही ना करो उसको थैंक यू ना करो आप कहो कि नहीं 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 पहले तो तू तो मेरे को इतना कुछ दे दे फिर मैं तेरे बारे में थैंक यू बोलूंगा इट इज नॉट हाउ इट वर्क आई एम टेलिंग यू इट विल गेट यू टू दैट बिगर्स फेयर और बिगर पोजिशन ओनली बिकॉज यू आर थैंकफुल फॉर इट राइट नॉट नॉट ओनली सिंगलली सीक्रेटली द मोर यू आर वोकल अबाउट इट द मोर यू आर वोकल अबाउट इट जितना आप ज्यादा इसके बारे में बातें कर रहे हो और अगर आपको लगता है बाहरी दुनिया समझ नहीं सकती बाहरी दुनिया क्या बोलेगी कैसे बोलेगी तो चलो इस इस क्लोज ग्रुप में कर लो यहाँ पर तो आप, को, आप इतने को सी इसमें, इसमें बड़ी, तो बड़ी बात है जिसने शेयर करा एंड वो एक कोई बंदा कहता है कि मेरी लाइफ में ये हुआ और मैंने ये अपने लिए मैनिफेस्ट किया मैंने ये, ये प्रैक्टिस करी और ये मुझे मिल गया और इतने सारे लोग मतलब दस बारह पंद्रह सब वा 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 वंडरफुल ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन Yes, no, maybe. कि सब लोग अपनी अपनी गुड एनर्जी को देना शुरू कर देते हैं जो पढ़ रहा है वो भी चलो लाइक like कर रहा है या कुछ भी मतलब पर एटलीस्ट लोग वहाँ पर एक दूसरे को गुड वाइफ दे रहे हैं गुड वाइफ क्योंकि उन्हें पता है कि हम गुड वाइब्स देंगे गुड न्यूजेस को तो हमारी जिंदगी में भी घूमकर गुड न्यूजेस आने का सर्कल स्टार्ट होंगे तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ योर सर्कल्स यू कैन इंक्रीज द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर सर्कल्स हाउ बट रेगुलरली शेयरिंग इट आई एम टेलिंग यू यही तरीका है आप अंदर ही अंदर जो मर्जी करते रहो फर्क नहीं पड़ता हम पागल है जो बाबा बुली जोरे लिखो बोलो सुनो देखो विजुलाइज करो अब विजुलाइज करना तो लास्ट स्टेप है पर उससे पहले तो एक्सटर्नल स्टेप्स ही है ना कल भी हमने यही बात करी कि अपने अपने हालात अपने घर के हालात बाहरी हालातों को बाहरी चीजों को भी धीरे-धीरे सिंक्रोनाइज करना शुरू करो तो इसीलिए आपके संगत भी बहुत मैटर करती है जब आप एक ही साधना में लगे हो तो साधना किया है अपने सपनों को सच करने की साधना है आप सबकी और शुक्राना की प्रैक्टिस की साधना है तो आप अपनी संगत में बैठे तो क्या करते हैं लोग शेयरिंग तो करेंगे किसी और की शेयरिंग सुनकर आपको हिम्मत आ सकती है किसी और की प्रैक्टिस देख के शायद आप में कुछ मॉडिफिकेशन आ सकती है बट आप ये सोचो कि वो मुझे बता दे कर दे मैं तो कोई नहीं शेयर करूंगा मैं तो, तो कुछ नहीं बताऊंगा तो फिर ठीक है जब आप शेयरिंग के सर्कस नहीं चला रहे तो आपको भी कुछ खास नहीं मिलने वाला मैं आपको बता देती हूँ उस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रूल होता है है मतलब ना तो आप अपनी खुशी बांट रहे हो लोगों के साथ तो छोटी सी खुशी है अमृतसर मतलब एंड मैं, मैं, मैं uh, हमें वापस आना था और सुबह मॉर्निंग में एकदम नहीं वैसे हमें शाम को आना था किन्हीं के साथ गए थे उन्हीं के साथ ट्रेन में वापस आना था बट समहा रात को ग्यारह रा बजे ट्रेन पहुंचेगी तो आई थॉट लेट्स बुक द फ्लाइट एंड एकदम से फ्लाइट बुक हुई और वो बहुत अर्ली की मिली टाइम की तो हमने मेरे को स्नान भी करना था एंड ऑल एंड ऑल करके चलो मैंने किया पर रस्ते में जो भी वजह रही हम थोड़ा लेट हो गए एयरपोर्ट पर थोड़ा नहीं बहुत <laughs> <laughs> तो मतलब कि जो भी वहां से मजा आ रही <laughs> तो हम लेट हो गए तो मतलब एंड uh, जो भी वजह रही एंड लाइक वे आई बस की थैंक यू एयरलाइंस फॉर गिविंग अस अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल एंट्री टू द द टू बोर्डिंग एंड थैंक यू एयरलाइंस एंड आई कैप्टन मन मन में वाहे गुरु वाहे गुरु थैंक यू माई को एंड uh, थैंक यू मतलब आपने फ्लाइट्स बुक करा दी यही बहुत बड़ी बात थी कल काफी काफी जो भी था वजह चलो तो फ्लाइट्स में मिल गई टैक्सी भी ठीक टाइम पे मिल गई अब रस्ते पे बस ठीक है हम पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं एंड ऑल एंड ऑल एंड वन मे रीच द नी को ए ने बोला था जब पहुंचोगे तो मैं बस ये दिखा रही थी कि मैं अपना वहां पर बोर्डिंग करके अपना जाते हैं फ्लाइट तक तो वहाँ पर जब हम जा रहे हैं वो बस से क्योंकि वहां से बस से जाते हैं वहाँ नीचे वाले एरिया से तो मैंने बस मैं वीडियो बना रही हूँ वहां पर एनी को दे रही हूँ कि वी आर बोर्डिंग एंड वी आर एंजॉइंग द फ्लाइट ऐसे करके तो और मैं बस उस मैं बस उस फ्लाइ उस उस वीडियो को फाइनली विजुलाइज कर रही थी कि मैं वीडियो बना के उसको भेज रही हूँ कि हम लोग अपना डेली पहुंच रहे हैं एंड वी आर इन द फ्लाइट एंड करके एंड

तो अब अब मैं बोलूँ कि इसमें सी बड़ी बात है हाँ इसमें सी बड़ी बात है इसमें क्या बड़ी बात है तो दुनिया में कईयों की फ्लाइटें छूटती हुई नहीं देखी आपने कईयों की ट्रेनें छूटती हुई नहीं देखी आपने मतलब नाव चढ़ते हुए नहीं देखा उन आपने भाई अब कोई चढ़ गया हाँ उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके लेट लगे चेक इन किया लेट सब कुछ कर करा उन्होंने करा दिया फाइनली बोर्डिंग करा दी उन्होंने तो अब अगर मैं कि नहीं जी नहीं मैं कहूँगी अलायंस एयर्स का बहुत बहुत शुक्रिया की सब अलायंस सिस्टर का शुक्रिया उस प्यारे स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया उस बोर्डिंग पास बनाने वाले का शुक्रिया जो हमारे को फटाफट चेक इन में आ, 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 मतलब बीच में से निकाल के ले गई उस लेडी का लड़की का शुक्रिया मतलब जिन्होंने हमारी बस हमारे लिए बस रोक के रखी उनके लिए शुक्रिया जिन्होंने हमें बोर्डिंग करवाई फ्लाइट चेक इन कराया सबका मतलब अगर हम ये सोचे ही ना कि हम ना शेयर करें ना हम इतना इस बात को तोज्जो ना हम शुक्राना करें तो फिर कैसे बनेगा ना आगे और बड़ा जादू कैसे आएगा आपकी लाइफ में तो अगर चाहिए आपको बड़ा जादू तो छोटी छोटी चीजों को सच में एक्सेप्शनली मैजिकल फील करके इसको शेयर करना इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना इसके लिए गुड एनर्जी में बना रहना एंड आई एम टेलिंग यू यूनिवर्स इतना इतना क्यूटली इतना मैजिकली आपके साथ बिहेव करना लग जाता है ना जबकि उसको मजा आता है उसको भी मजा आता है कि मैं मतलब छोटे बच्चे नहीं होते हैं आपके साथ मजे करेगा फिर वो मजे मतलब कि उसको आपको हर समय आपको वाओ वाओ वाओ, वाओ आप करोगे वाओ तो वो आपको और वाओ वाव कराने के मौके देगा पर आप आपकी मर्जी है ना कई लोग सोचते हैं क्या करना है क्यों जरूरत है क्यों जरूरत है शेयरिंग की क्यों जरूरत है हमारे को फिर ठीक है क्या कर सकते हैं इस बारे में हमने तो बता दिया अभी तुम्हारे को तरीका ये है तरीका आगे बढ़ने का जितना ज्यादा इसको अभी इतना एक्साइटेड होगा सेलिब्रेट करोगे एंड सेलिब्रेशन शेयरिंग इज ऑल्सो वे टू सेलिब्रेट है ना आप सेलिब्रेट करोगे ये और, 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 और आपके साथ मजे करेगा मतलब और आपको मौके देगा अभी आप एक शेयरिंग करोगे ना ये आपको और कहेगा अच्छा अब ये भी शेयरिंग कर अब ये भी शेयरिंग अच्छा तुमने अभी ये शेयरिंग करी तुम तो एक हजार रुपये मिला अब बताइए लोगों को तेरे को एक करोड़ रुपये कैसे मिले एक करोड़ रुपये कैसे मिले तुझको पर आपने एक हजार नहीं नहीं बताया तो उसको उसको कैसे पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ उसको भी तो अपनी तरीफे सुनना पसंद है वो भी पब्लिकली <laughs> जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे ना पता है मैजिक बुक नहीं ये पावर बुक नहीं ये उतना पावर बुक आपको और 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 रास्ते दिखाती है जितना आप माता रानी के जगराते करते हो जयकारे लगाते हो लोगों के साथ बैठ कर पूरी पूरी रात जाग जाग के जगारे लगाते हो वट डज दैट मीन सिंपल प्रभात फेरिया क्यों निकलती हैं नगर कीर्तन क्यों निकलते हैं पब्लिकली जुलूस क्यों निकलते हैं कभी कुछ दिमाग लगा लिया करो यार हाँ तुम्हारे को पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे चार सौ तीन सौ लोग हैं हाँ जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार है तुम्हें फेसबुक के ओपन पेजेस मिल रहे हैं जहाँ पर इतने सारे लोग तुम्हारी शेयरिंग पढ़ने को देखने को तैयार है तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अवार्ड ले रहे हो जीत रहे हो कुछ भी कर रहे हो जस्ट एंड शेयर विद द पीपल को गिव यू गुड एनर्जी जो जयकारे लगाए जो इस बात को पॉजिटिव एनर्जी दें और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी स्पीड में ये चमत्कार बढ़ते हैं ओके जी द तो पावर एंड हेल्थ तो ये कमाल का कमाल का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि पूरी जिंदगी नहीं अगले जन्मों में भी काम आएगा अगर धरती पे रहने वाले हो तो हमेशा काम आएगा तो दिल से सीखना जरा इस चैप्टर को ठीक है <laughs> द पावर एंड हेल्थ ओके एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे हेल्थ का जब चैप्टर आ रहा है तो यहाँ पर बीच में एक रोशनी है उस रोशनी के साथ जो रोशनी तो अपने आप में जैसे एक सोलिटर की तरह चमक रहा है तो हीरा कौन है आप ही हो वो सॉलिटर हीरा <laughs> आप ही हो इसके साइड्स में अगर आप देखोगे कि ये जो इसकी स्पेक्ट्रम निकल रहा है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मतलब जो इसके अंदर से रेज निकल रही हैं कुछ वर्टिकल सीधी सीधी रेज है देख रहे हो आप लोग सीधी सीधी रेज है और कुछ यहाँ पे ये जो इसका इसका जो ये जो कर्व बन रहा है जिसको स्पायरल कर्व बन रहे हैं दिख रहा है स्पायरल कर्व से यस और नो स्पायरल कर्व्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक घूम मतलब है, रहे हैं फोटो देख लो ए? कोई नॉर्मल फोटो नहीं है तो तो डिजाइन अच्छा तो नहीं बनाया तुम्हारे जीवन जीवन की रूपरेखा है ये तो एनी तो आपकी जो हेल्थ है वो सेंटर वो पीवट पॉइंट है ओके वो जैसे जिसको हम फलक्रम बोलते हैं फलक्रम मतलब वो सेंटर में है अब इसके अंदर से आप बाहरी दुनिया की तरफ जाओ

चाहे वो अंदरूनी दुनिया की हो चाहे वो कुछ भी हो हर चीज हेल्थ का पार्ट है ठीक है तो वो कैसे पढ़ते हैं इसी को इसी को हम आगे डेप्थ में समझेंगे जो यहाँ फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है वी विल लर्न इन इन डेप्थ पढ़े नेचुरल फोर्सेस विद अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिसीज हिपोक्रेट्स फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हाँ तो ये क्या कह रहे हैं नेचुरल फोर्सेस हमारे अंदर ही कुछ प्राकृतिक शक्तियां होती हैं विद इन अस अंदर ही होती हैं हमारी ठीक है हर चीज़, लाइफ के अंदर आप इस, इस का मतलब होता है ये एनर्जी है ना हर चीज को येस में लेना इज ईजी इफ यू अंडरस्टैंड अगर हम अपने अपने सिस्टम में हर चीज ईज में लें ईज में लें तो हमारी जिंदगी अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी फ्लो में बढ़ती चली जाएगी एंड

तो बड़े ईजिली आप उठ बैठ पा रहे हो चल फिर पा रहे हो पर अगर आपके घुटने में कुछ ऐसा हो जाए कि इसके अंदर कुछ डिसकंफर्ट आ जाए और जो की ईज है वो वो डिसलोकेट हो जाए तो अब क्या होगा अब आपके घुटनों में डिजीज आ गई डिजीज इसको बोलते हैं ओके डिजीज इज जस्ट लाइक कि वहां पर जो नेचुरल नेचुरल फ्लो था वहां पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ गया है अपने आप में आप स्वस्थ 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 ही हो परंतु आपके अंदर कोई भी बीमारी आती है क्यों आई है क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ डिसलोकेट हुआ है ओके मतलब कि की और जो, उसको हील कौन करेगा नेचुरल फोर्सेस विद इन अस हमारे अंदर ही है वो नेचुरल फोर्सेस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिस पर पहले देखिए पता बहुत कमाल की बात होती है क्या पहले ये डिसईज है क्या वहां पर क्या चीज थी जो डिसलोकेट हुई है जैसे कि कभी भी किसी बीमारी को पकड़ना है हाँ हम बीमारी की जड़ को ना पकड़े ऊपर ऊपर से इलाज करते चले जाए तो क्या होगा वो जड़ से तो वही की वहीं है ऊपर ऊपर से बस टेम्परेरी आप कवरिंग कर रहे हो तो वो वो नीचे से तो है ना वहां पर तो उसी तरह से कई बार हमारे को हमारे को यही नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी ईज यहाँ पर डिसलोकेट हुई है लोग जैसे कि मैं मैं आप डॉक्टर बोलूं कि मेरा गला खराब है उसने मेरे को दवाई दे दी गले खराब की और उसने देखा ही नहीं कि गला खराब क्यों हो रहा है इसका तो मे बी मेरे को कुछ खाने से गला खराब नहीं हो रहा कुछ पीने से गला खराब नहीं हो मेरे घर में पेंट का, का काम चल रहा है हाँ पेंट का, का काम हो रहा है पेंट के अंदर कोई स्मेल है ऐसा जो उसको मैं सांस में लेती हूँ तो मेरे गले के अंदर कुछ खराश हो रही है स्मेल खराब तो अब मैं दवाई तो खा रही हूँ जो डॉक्टर ने दे दी मुझको सिर्फ पी रही हूँ दवाई खा रही हूँ पर मेरे घर में पेंट का काम भी चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं दवाई तो खा रही हूँ पर पेंट का काम भी चल रहा है तो क्या मतलब मेरी बीमारी ठीक होगी क्या लगता है आपको मेरी बीमारी ठीक होगी हो सकता है कि वो दवाई उसने और स्ट्रोंग कर, कर दी तो मेरे गले के अंदर हो सकता है कि चलो उसको उसने उसने कुछ टेम्पररी रिलीफ कर दिया कुछ कर दिया पर अब वो बीमारी जो मेरे गले की है वो हटके मेरे खानों में चली जाएगी और मेरे कानों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मेरे नाक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कुछ ना कुछ तो मेरा ईज डिसलोकेट हो होगा ही होगा क्यों क्योंकि मैंने उस डिस को जड़ पे जाके नहीं देखा कि वो आया क्यों नंबर एक इसमें कई चैप्टर कई अंदर हम बातों पर ध्यान करेंगे क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में फ्री फ्लोइंग स्वास्थ्य ही है अगर हम इसको इसके नेचुरल हाल पे छोड़ दें नेचुरल हाल मतलब बोलो, अब अब नेचुरल हाल पे छोड़ दू ठीक हो जाऊंगा नहीं क्योंकि जो आपने पिछले वाले कांड करे हैं पिछले वाले कुकर्म करे हैं पिछले वाले जो पाप करे हैं उनको धोने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना क्योंकि अगर मैं इस समय ये बोलती कि मैं जीरो पे हूँ और मैं जीरो पे इसको बिल्कुल फ्लो में छोड़ दूँ तो ये अपने आप अपने फ्लो को पकड़ते पकड़ते मतलब इट विल गो इट इन इट्स ओन फ्लो बट राइट नाउ हम लोगों के अंदर कई तरह के डिसलोकेशन हो चुकी है और हमारे को पता भी नहीं उसकी जड़ क्या है ना हमें पता है और बार ना ट्रीटमेंट करने वाले को पता होती है तो इसलिए अभी इस इस चैप्टर चैप्टर को को ध्यान से जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से जीरो जीरो पढेंगे पढेंगे हम आप जो भी जो भी भी ट्रीटमेंट करा रहे रहे हो हो खा फिलहाल खाते रहो थैंकफुली ओके okay? और इस को ऐसे पढ़ेंगे कि हमने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं पढ़ा

क्या साइज होता है और धीरे 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 धीरे, धीरे बस वो अपने नेचुरल फ्लो में ही तो जा रहा है बच्चा हाँ वो एक एक फिट का भी नहीं होता और धीरे धीरे वो छिट का हो जाता है एक दिन तो ये क्या हो रहा है नेचुरली ग्रो नेचुरली फ्लो है उसका तो ये बॉडी का साइज जैसे बढ़ रहा है वैसे ही क्या आपके अंदर की शक्तियों का साइज आपके अंदर नेचुरल रिसोर्सेस का साइज आपके अंदर की पावर्स का साइज क्या वो भी बढ़ रहा है क्या मतलब आपको लगता है कि आप हेल्दी हो

हाँ मतलब समझने के लिए टू बिगिन विद बिकॉज हम क्यों बोलते हैं कि आपकी पावर आपके अंदर है सारे जादू आपके अंदर है मतलब चाहे आप मैजिक पढ़ लो चाहे आप ये पढ़ लो पावर पढ़ लो चाहे कोई भी बुक पढ़ लो हर जगह पे वही कहता है कि अंदर अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दो अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दो क्यों बोल रहे हो बार बार ये हमें को बच्चे को बुलाने की शौक नहीं है <laughs> मतलब वो एक तरह का एक एक तरह का सिम्बॉलिकल लैंग्वेज है सिम्बोलिकल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर जो एक्चुअल है हाँ जैसे कि आपके अंदर जो पावर आप कभी बच्चों को देखते हो बच्चे बच्चे मानते हैं कि वो उड़ भी सकते हैं जो बिल्कुल छोटे वाले बच्चे होते हैं बहुत छोटे वाले बच्चे होते हैं जो मतलब आए मतलब जब भी मैं सोचती हूँ मैं कभी बचपन में चाहे मेहर था एनी थी मतलब जो इनके बचपन की यादें होती हैं मतलब अगर हम इनको इनके हाल पे छोड़ दें तो मेरे को तो कई बार सच्ची में लगता है अगर माँ बाप इनको रोके ना तो क्या पता है उड़ भी जाए किसी दिन ये ये उड़ भी सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चे कभी देखा है पानी में डाल दो तैर लेते हैं अपने आप हैव यू एवर सीन दोस वीडियोस मतलब बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं छोटे छोटे मतलब कुछ महीनों के इन्फेंट्स होते हैं और उनको पानी में स्विमिंग पूल में किसी में उसमें डाल देते हैं और वो खुद ब खुद स्विमिंग करने लग जाते हैं मतलब इन्फेंट्स वो पानी के अंदर सांस लेनी उनको आती है मतलब क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, मम्मी के पेट में भी तो लिक्विड के अंदर ही है वो तो फ्लुइड के अंदर सांस लेनी आती तो उनको तो ऐसी तरह से भी को लगता है मतलब मुझे लगता है कि जो हम लोगों का माइंडसेट जो बोल रहा है कि किसी ना किसी वे में हमने बिलीव कर लिया कि ये पानी के अंदर खुद सांस ले लेते हैं खुद स्विमिंग कर लेते हैं ये भी तो किसी ने सोचा है ना ह्यूमन माइंड ने बिलीव ने बिलीव किया और तो हमारा बिलीव के जरिए सोच ले कि ये बच्चे उड़ भी सकते हैं और ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप अपना बिलीफ को ना रोको हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं क्या क्या हो सकता है ये तो ये तो अभी फिलहाल हमारे बिलीफ से भी बहुत दूर की बातें हैं अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं इस बारे में हाँ कि कुछ भी हो सकता है लाइक एनी थिंग बच्चों का माइंड कितना क्लियर होता है मतलब आई 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 वाज वाज एंड जस्ट एन ऑफ़ स्मॉल चाइल्ड वो अपने पेट के साथ खेल रहा था ब्रूनो के साथ खेल रहा था एंड uh, वो अम, ऐसे ना इमेजिनेशन कर रहा था इमेजिनेशन में क्या था कि वन डे आई विल क्रिएट एन ऐप जिससे मैं और ब्रूनो आपस में बातें कर पाए हम बातें करेंगे दोनों आपस में एंड आई वॉज रीडिंग एट दैट एड तो मैं आई वॉज लाइक या हो सकता है ये भी क्यों क्योंकि जैसे अभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं अभी बन तो गए ना ऐप वो चाइना वाले को हम मैं यहाँ से बोल रही हूँ चाइना वाले को अपनी चाइनीज में सुनाई दे रहा है वो चाइना वाला चाइनीज में बोलेगा और मेरे को वो मेरी हिंदी में सुनाई दे रहा है ऐसा वो ऐप आ गया शायद है ना तो उससे मतलब लैंग्वेज ऐसे इतनी क्लियर हो जाएगी आपस में तो मैंने कहा हाँ ऐसे तो कुत्ते के लिए भी बना सकते हैं कि हम यहाँ से कुछ बोलेंगे तो कुत्ते की भाषा में कन्वर्ट हो गए कुत्ता समझ लेगा कुत्ता कुछ बोलेगा तो हम समझ लेंगे वो तो सकता है बस ये

ना जो असली वाले बच्चे होते हैं आई एम नॉट सेइंग नकली वाले बच्चे <laughs> जो असली वाले बच्चे होते हैं हर समय मतलब कूदा फांदी नाच गाना हंसना खेलना और हमेशा मतलब रात को सुलाने के लिए भी उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती सो जाओ सो जाओ सो जाओ तो जब व्हेन इवन द व्हेन दे स्लीप दे स्लीप लाइक बेबीज दे स्लीप लाइक बेबीज हल्के फुल्केदते फिरते प्यारे प्यारे से बहुत फ्लेक्सीबल मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी घुस लेते हैं किसी भी खड्डे में किसी भी पाइप में मतलब हमारे घर में एक पनब नाम से बच्चा है था मतलब बचपन में बचपा था अब तो बड़ा हो गया 12th में आ गया है. तो मतलब वो बचपने में ऐसा था

तो वो करते 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 ऊपर तेरा फीट के मतलब सब सबसे टॉप पे तो अलमारी के ऊपर पहुंच <laughs> गए मैं, मैं गए तो मैं किचन में गई मैं मैं सिर्फ ऊपर गई हूँ मामा के घर तो मैं किचन में गई मतलब मेरे मुंह से ना आवाज निकली ना कुछ निकला मैं मतलब सुन हो गई थी उस समय सुन कि ये क्या सीन देख रही हूँ मैं ये ये ऊपर तेरह फीट तक पहुंचा कैसे और मतलब ऐसे पकड़ा ऊपर हैंडल को एक हाथ से पकड़ा हुआ है नीचे वाला पैर नीचे एक हैंडल पे पेपा टिका, हुआ नीचे वाले कभी मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि ये भी कोई सोच सकता है कि हम हैंडल पे हैंडल पे पैर रखते रखते इतने ऊपर तक पहुंच जाएंगे एंड जो भी उसने जुगाड़ लेफ्ट राइट कर कर आके एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो ऊपर पहुंच गया है इसको तारेगा कौन है अब नीचे क्योंकि हम तो नहीं पहुंच सकते तेरह फीट की ऊंचाई तक एकदम से तो मैं चुपचाप खड़ी रही बिल्कुल ऐसे सुन मोक ना पिन ड्रॉप साइलेंस क्योंकि अगर मैंने जरा सी आवाज निकाली तो ये तो हिल जाएगा या इसका कॉन्सर्ट

मतलब वो पेड़ों पे चढ़ जाता था वो पे चढ़ जाता था पता कैसे करता था वो ऊंचाइयों पे चढ़ चढ़ के कहां तक लगता था भी पेड़ के भी टॉप पे पहुंच सकता है ये ने उसको डांटना शुरू कर दिया <laughs> एक दिन कि मतलब तू गिर जाएगा फिर तो चोट लगेगी फिर मैं खून निकलू मैंने उसने ने उसको डांट डांट के फिर चुप करा दिया नहीं तो क्या पता बच्चा क्या बन सकता था आई थिंक ही वो तो उसमें तो क्रिश वाली एबिलिटी थी वो नहीं सेकेंड पार्ट आया था कृषि का मतलब की जिसमें वो वो ऋतिक रोशन होता है वो पहाड़ पे वो जो किसने देखा है वो प्रियंका चोपड़ा वो ट्रैकिंग कर वो कर रही होती है माउंटेन क्लाइंबिंग तो वो रस्सी से ऊपर चढ़ रही होती है और ऐसे हाथ से छू 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 के ऊपर चढ़ जाता है वो पहाड़ी के ऊपर तो मुझे लगता था इस बच्चे में वो है ये सिर्फ छू छू के छू छू के ऊपर चढ़ सकता है बिल्डिंग्स के ऊपर पर वो गायब हो गई दर दिन बच्चे का क्या किया गायब हो गई उसमें से एबिलिटी मतलब कमाल के होते हैं बच्चे यार कमाल के होते हैं हर चीज पे मतलब उनको लगता है यस इट्स पॉसिबल वो कुछ भी कहते हैं हाँ हो जाएगा उनको लगता है वो सुपरमैन है उनको लगता है वो पाइडर मैन है उनको लगता है वो ये है वो वो है जो भी है एंड दिस इज दिस इज द हेल्थ इज ऑल अबाउट योर माइंड इज सो हेल्दी है ना योर इमेजिनेशन आर सो हेल्दी योर बॉडी इज सो हेल्दी फ्लेक्सीबल हेल्दी आपका माइंड फ्लेक्सीबल होना आपकी बॉडी क्या आपकी के है आपकी माइंड की रिफ्लेक्शन है कई बार हमारा म, जो दिमाग है मूड बुद्धि मूड बुद्धि मतलब कहते हैं जड़ बुद्धि जड़ मत कहते हैं उसको तो जड़मत जड़ मत मतलब कि हमारा हमारे माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती हम सोचते हैं चीज ऐसी है तो ऐसी है तो ऐसी है पर अगर हम सोचे कि हाँ इसका ये भी वर्जन हो सकता है पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इसमें ये भी हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी तो मोस्ट ऑफ यू हैव अ फ्लेक्सिबल माइंड लेट मी टेल यू ओके आप में से अधिकतर लोगों का फ्लेक्सिबल माइंड माइंड है आप अगर, अगर आप ट्राई कर रहे हो शुक्राना करना तो यानी कि आप, आप ट्राई तो कर रहे हो ना ट्राई कौन कर सकता है जो थोड़ा मोल्डेबल हो जो कहता है कि चलो मैं ऐसे बैंड होकर देखता हूँ ट्राई करके कर कर देखता हूँ तो यू आर फ्लेक्सिबल आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जिनका दिमाग बिल्कुल जड, जड़ जड़ बुद्धि कहते हैं मतलब बिल्कुल फिक्स फिक्सड माइंड है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता तो नहीं होता वो कभी ट्राई भी नहीं करेंगे नई चीज़ को मतलब वो करेंगे नहीं ट्राई वो कई लोग तो कपड़े भी नए ट्राई नहीं करते कि नए तरह के कुछ कपड़े ट्राई कर लेते हैं नए तरह के कुछ स्टाइल ट्राई कर लेते हैं नए तरह का कुछ फैशन ट्राई कर लेते हैं नए तरह कुछ खाना ट्राई कर लेते हैं नए तरह का कुछ घूमना ट्राई कर लेते हैं या नए तरह का कुछ चलो एक एक अप्रोच ट्राई करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ट्राई करते हैं क्यों नहीं ट्राई करते वो क्योंकि उनका माइंड फ्लेक्सीबल नहीं है उनकी बॉडी भी कई बार फ्लेक्सीबल नहीं होती माइंड भी फ्लेक्सीबल नहीं होता क्यों नहीं हो रहा होता मतलब ठीक है उनकी चॉइस है नहीं है है ना अब हम क्या बात कर रहे हैं कि बच बचपन पे वापस चलते हैं एक बार व्हेन द बॉडी फील लाइट फ्लेक्सिबल एंड मूविंग इज एफर्टलेस मतलब बिल्कुल इजी मूव कुछ भी गड़ना होता है फीट कदमों पे बिल्कुल बिल्कुल हवा की तरह हल्के कई लोगों कदम पैर भारी बच्चा पैदा कर नहीं रह गए जो बच्चा पैदा करने वाली होती है वो कहती है कि इसके पैर भारी हो गए यहाँ पे बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे तब इनके पैर भारी चल रहे हैं अब बोलोगे इसका क्या लॉजिक है <laughs> सो so, अभी तो सुन लो <laughs> इनके पैर भारी चल रहे हैं <laughs> मतलब कि क्या हाँ देर नॉट लाइट ऑन देर फीट दिस इज एडियम एक्चुअली में लाइट ऑन देर फीट मतलब कि जैसे आज मैं ऊपर जैसे मेरे पाओ जमीन पे नहीं पड़ते कभी सुने ऐसे सेंटेंसेस आज कल पाओ जमीन पर नहीं पड़ते मेरे क्यों नहीं पड़ रहे भाई तेरे पैर जमीन पे हमेशा उड़ती क्यों रहती है तो क्यों क्योंकि हल्के फुलके हैं यार हर समय हल्के फुलके रहते हैं अब हल्के फुल्के कैसे होना तो और क्यों पढ़िए पावर बुक और मैजिक बुक हल्का फुल्का होने का सारा इसी में है तरीका तो दे स्लीप डीपली एंड पीसफुली एवरी नाइट आप आपसे कितने लोगों को मैजिक बुक करने के बाद नींद अच्छी आने लग गई नाउ यू मतलब कुछ भी प्रैक्टिस करने के बाद अब नाउ यू यू कैन सी अभी मैं आराम से सो जाता हूँ या मैं सोता हूँ तो मेरे को मतलब सोते से पहले मैं पता ही नहीं चलता मैं बेड पे जाता हूँ मैजिकॉप पकड़ता हूँ मैं सो जाता हूँ पहले याद है वो दिन जब हम तड़पते रहते थे रात को मतलब करवटे बदल रहे हैं फोन बार बार उठा रहे हैं फोन पे लग रहे हैं फिर पता नहीं करवटे बदल रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं करवटों में रात निकल रही होती थी कई बार तो क्या क्या सोची जा रहे हैं अब पता ही नहीं चलता बेड पे जाते हैं पिल्लों पे से रखते हैं स्लीप लाइक अ बेबी एकदम से नींद आ जाती है मतलब मैं अपना बता रही हूँ ये चीज एक ये चीज इतनी गजब की चीज है मैंने पिछले कुछ चार पांच सालों में एक्सपीरियंस करी है मतलब बस लेटे लाइट बंद हुई हाथ में रॉक आया कई बार तो रॉक का करते करते पता भी चलता। अभी तो किया था, उससे फिर सुबह जब उठो एक फ्रेश फ्रेश दे स्लीप डीपली एवरी नाइट फीलिंग कंप्लीटली रिफ्रेश सुबह उठते चलो, 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 चलो गुब्बे चलो मतलब सुबह इतना फ्रेश एकदम से अप मतलब आंखें अप बॉडी अप एकदम से ये, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ ये ये का असली रूप है। body, मतलब ऐसे क्या मतलब की मतलब ताजगी से भरे हुए फूर्ती से भरे हुए दिस इज योर डेली डेली ये आपका रोजमर्रा का एक रूप है अगर आप हेल्थी हो तो दे फील पैशनेट एंड एक्साइटेड अबाउट एवरी न्यू डे आज क्या करें तो क्या करेंगे जो तो 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 बहुत ही खुशी में पैशनेट अबाउट एक्साइटेड अबाउट लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो अगर आपकी जिंदगी ऐसी है कि सुबह उठ के उपासिया तो राम आज काम पे जाना पड़ेगा कितने लोगों ने ऐसी जिंदगी भी देखी है बोलो मीमी मीमी <laughs> कि रात को समझ नहीं जब तक तो शराब ना पियो रात को नींद नहीं आ रही है मतलब ऐसा लग लगता है जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए तो शराब पहनी पहले पेनी पड़ेगी <laughs> या कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि जो मतलब अदरवाइज लाइफ के अंदर मतलब सुबह उठकर भी कोई पैशन मतलब कि वाओ मतलब उठने का झील अगर अगर आप किसी भी वे में इस पोजीशन पे इस समय अपने आप को ला पाए हो तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जो कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ इट्स गुड फॉर योर इनर चाइल्ड जो भी आज हम शॉप जाएंगे ये करेंगे आज हम दुकान पे जाएंगे करेंगे हम जॉब पाएंगे ये करेंगे स्कूल पाएंगे ये करेंगे करेंगे मतलब एक्साइटमेंट है ना गाना है हमेशा उसकी लाइन याद आ जाती है बहुत ही फनी सा गाना है उसमें वो यो यो हनी सिंह बोलता है

<laughs> तो मतलब मैं इद्दा। तो जब भी एक्साइटेड होता था ना तो मुझे ये बोलता था एक्साइटेड में इतना उसकी माँ बोलती थी ये तो शुक्र यहाँ पे ये बोलता है घर पे तो ये, ये भी बोलता है कि एक्साइटेड में इतना हनीमून सूट बुक कराया <laughs> कहते है, इसको पता है नहीं ये गाना क्या बोल रहा है ये ना पूरा बोल देते हैं में में है, तो तो ना कई बार मैंने भी सुनिया उसके मुंह से ये वाला तो मेरे अंदर पेनिट्रेट हो गया बचपन में, कि में इद्दा। <laughs> तो, आपकी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट इतनी है, है कितनी तो फनी और स्टूपिड बात बोल रहे हैं नहीं दिस इज कॉल्ड बी चाइल्डिश

और आप में से हर इंसान उसी उसी बचपने से पार हुआ है आपके बारे में बात कर रहे हैं इट इज द वे यू शुड स्टिल फील अभी भी इस मौके पे भी दिस इज व्हाट यू आर बोर्न फॉर दिस इज हु यू आर बीइंग हेल्दी टोटली हेल्दी सिर से लेके पांव तक हेल्दी एक्साइटेड हेल्दी पूरा का पूरा यू कैन फील दिस वे पर यू कैन फील दिस वे मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज़ अनलिमिटेड हेल्थ इज अवेलेबल टू यू unceasingly through the force of love, there is never a second that anything is withheld from you. Whatever you want is yours, and that includes unlimited health. But you have to open the door to receive it. तो मतलब आप जैसे गर्ल परसों किसने पूछा था कि मैं सत्तर साल काम क्या मेरे बाल काले हो सकते हैं मैं गर्ल काले तो कुछ जो मर्जी कर ले तू पी ले नीले हरे जो मर्जी कर ले मतलब I मतलब मैं बॉडी के मामले में तो बहुत क्लियर हूँ क्या इट इज ऑल जो आगे आने वाला है अभी एक एक सेंटेंस आपको स्टेप स्टेप बाय समझाया जाएगा कि लाइक यू टू क्रिएट इट्स अचीवेबल मैंने अपनी बॉडी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं सिंस सो मेनी ईयर्स इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मतलब आई रिमेंबर आई थिंक ना कि मतलब हर तरह की बॉडी मतलब जो मेरे को पसंद हो जैसे कि एक बार एक मूवी आई थी तशन तशन टशन थी टशन थी।, थी उसमें ना करीना कपूर ने जीरो साइज फिगर का दावा था अपना तो मतलब पहली बार मैंने देखा कि जो जीरो साइज भी कोई चीज होती है पता नहीं क्या था पर उसने कोई नया तरह का फिगर आई थिंक टशन मूवी टशन थी ना हम्म मेरे को भी याद नहीं आ रहा शायद उसमें करीना कपूर का बहुत फेमस हुआ था वो लुक ना उस टाइम पर एंड मैंने कहा अच्छा बड़ा फेमस हो रहा है चल, लेट्स ट्राइट। तो लेट्स ट्राई इट मतलब जीरो साइज फिगर करके देखते हैं हम भी देखते हैं क्या चीज़ होती है ये भैया कैसे फील होती है मतलब मतलब आपको बॉडी मिली है हाँ तो क्यों मिली है हाँ हर तरह का फ्लेवर ट्राई करने के लिए मिली है हर तरह की फील को ट्राई करने के लिए मिली है तो आई ट्राइड इट मैंने कहा चल करके देखते हैं वो कैसे किया ये जो आगे फॉर्मूला आने वाले हैं सारे के सारे ये आप बोलो आपको तब पता था हाँ पता नहीं क्यों अंदर से पता था कुछ कुछ ऐसा सा ये ऐसे ही होता है तो एनी फिर उसके बाद कोई और जैसे आई आई रिमेंबर लाइक This, बहुत सारे लोगों को मैं लाइक करती हूँ बट कुछ कुछ लेडीज की फिगर्स को बॉडीज को उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स uh, को आई लाइक like. तो मैं बस उस कुछ चीज को सोचती थी कि हाँ मुझे ऐसा बढ़ना है मतलब कि और फिर मैं एक डेढ़ साल तक वो लुक कैरी करती थी कभी जैसे कि uh, <laughs> मैं नाम भी किस किस के लू तो <laughs> तो मतलब कि हर एक दो साल के लिए मैं ट्राई करती थी उनकी फिगर्स मतलब जो भी उनके अंदर मुझे अच्छा लगता था तो किसी के कुछ अच्छा है किसी का कुछ अच्छा है किसी का कोई बॉडी पोस्टर अच्छा है किसी का कोई फिगर किसी को कुछ तो इन अ सेंस की आपके पास एक बॉडी है हाँ और आप उसको किसी भी शेप में डाल सकते हो एक्चुअली में रंग रूप में डाल सकते हो एक्चुअली में मतलब की मतलब की सच में है आप ये कर सकते हो आपको कैसे वो तो आगे देखना है और आप बातें कर रहे हो बालों की कुछ भी कर सकते हो एम टेलिंग यू मतलब जो मुझे पसंद था मैंने वो किया हुआ जैसे कि मैं अपना मैं कल पर से बात कर रही थी कि अभी मेरे को जब मेरी जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी मामा एक तरह से दिखती थी एंड मेरे को मेरी मामा बहुत अच्छी लगती थी मेरी मामा मतलब I just love my mom. मतलब मतलब अंदर से जैसे एक एक दो चीजों को गुस्सा बहुत था उनके अंदर और थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों के अंदर जो भी था उनका हाँ जो कि पुलिस वाले नौकरी की वजह से मेरे को लगता था जो जस्टिफाइड है पर दो चार चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ उनके अंदर बहुत पॉजिटिव था जो मुझे लर्न कर सकती थी उनसे हाँ, तो मैंने मम्मा से भी सीखा कि उम्र के साथ ना दिखना चाहिए आपको अगर आप सास बन रहे हो या आप मम्मा बन रहे हो तो मतलब मैं एक मेरे को अंदर से था कि मैं मम्मा जैसी दिखूंगी जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मेरे को भी वैसी दिखना है तो मम्मा कितनी ग्रेसफुल लगती थी एक एक मम्मी के रूप के अंदर तो वैसे वाला मतलब क्यों हमें हर समय लड़कियां बनके घूमना है क्यों हमारे को मैं हमेशा सेक्सी लड़कियां मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं बच्चों की शादियां हो रही हैं तो आई हैड दिस फीलिंग कि आई वांट टू लुक लाइक अ रियल मम्मा मदर Mother, जो मदरली फिगर होती है जो मदरली मदरली लुक्स होती हैं तो वो भी मेरे एक मन में सोच थी एंड आई आई जस्ट मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ जब मेरी ये वाली उम्र आएगी तो मैं ऐसी दिखूंगी तो अब वो क्या वो भी मेरी है अब वो जब तक मैं उसमें मैनिफेस्ट कर रही मेरी मर्जी उसके बाद जब मन न करेगा चेंज करने का मेरी मर्जी तब भी मेरी मर्जी तो अब ये क्या है हाँ ये मेरी बॉडी है ये मेरी बॉडी है मेरे को इसको बताना है पर वो कैसे होगा आपकी मर्जी से कैसे चलेगी आपकी बॉडी

जो, जो हमारा हाँ, तो दिल, तो तो दिल और दिमाग सेम हो जाता है हम कब कहते हैं ना दिल और दिमाग एक हो जाना तो वो क्या होता है दब, तब आप दिल से सोच भी सकते हो <laughs> और दिमाग से फील भी कर सकते हो अभी मत करना कोशिश करना वो एक अलग दुनिया होती है ठीक है तो एज Uh, uh, जब वो अपने थिंक इन हिज हार्ट अपने दिल के अंदर से वो किसी चीज को जब दिल और दिमाग एक हो गया जैसे कि मुझे मुझे कभी सोचना नहीं था इस बारे में मैं बचपन में जब ममा को देखती थी मेरी शादी थी तो मम्मा कितनी ग्रेसफुल लगती थी और ऐसे और गंजा की टिश्यू वाली साड़ी के अंदर मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ऐसे मतलब बिल्कुल सिंपल ऐसे सोबर सी लगती थी, थी मम्मा कभी बार ना तो आई ऑलवेज जस्ट टू थिंक की हाँ मतलब मैं दिल से मम्मी को पसंद करती थी उस लुक के अंदर जैसे थोड़ी मोटी मोटी भरी भरी मम्मी जैसे जैसे मम्मिया हमारे जमाने की मम्मिया ऐसी होती थी आजकल की की अलग ब्रीड आ गई है थोड़ी सी मतलब मम्मी हो यार मतलब मम्मी जैसे लगने चाहिए थोड़ा बहुत <laughs> तो मतलब कभी कभी तो मतलब ठीक है बट लाइक जैसे पता ही नहीं चलता है कि ये इसका बेटा है कि भाई है कि पति है कि बॉयफ्रेंड है क्या है पता ही नहीं चल रहा दुनिया में इतनी कर... मतलब ये कंफ्यूजन मुझे दिख रही है कि तुम्हें भी दिखती है लोगों को कई बार कि मतलब माँ बच्चे की माँ ही नहीं लग रही है

और वो अपने आप हो गया मतलब अपने सच में अपने आप सो इज ही मतलब अब अगर मैं इस दिल से सोचू की कि हाँ कि मुझे ऐसा बनना है अब जैसे मैं थोड़े दिनों से मैं सोच रही थी कुछ दिनों से ना मैं अपना हस्बैंड से भी बात कर रही थी कुछ दिनों से कि नो नो हमारे को थोड़ा सा हेल्थ पे काम करना चाहिए ना थोड़ा लेट्स गेट गुड 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 फिट बॉडी नाउ तो काफी टाइम हो गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है तो अब मतलब अगर मैं दिल से सोचू अभी मैं अभी इन द प्रोसेस अगर मैं दिल से सोचू की हाँ मुझे ऐसी बॉडी पसंद है या मुझे ऐसी फिटनेस चाहिए क्योंकि वो ठीक है कि आप आपने सोचा उस बॉडी को एक्वायर करने के लिए बट आई कुड सी कि वो मैंने बॉडी क्वायर करी जिस भी वजह से करी पर उसके फिर अपने 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 ही फीचर्स हैं उसके उसके प्लस और माइनस भी फिर अपने ही हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको फिटनेस में लेके जाना है मुझको अब तो ये भी मैंने जब दिल से सोचा तो लेट्स सी हाउ विल इट वर्क मतलब आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट राइट नो कि क्या चाहिए इस बार मुझको तो आप जो सोचते हो दिल से आप वो बन जाओगे अगर आप दिल से नहीं सोच रहे हो सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो दिखाने के लिए सोच रहे हो बस देखने के लिए सोच रहे हो तो वो अलग बात है अगर वो दिल के अंदर चली गई ना चीज जो आप सोच रहे हो और आपका दिमाग और दिल एक हो जाएगा वो बन जाओगे आप और ये इतना क्विक होता है मतलब कि अभी पूछो कैसे होता है

हजारों एग्जाम्पल और ये कोई मैथोलॉजिकल चीज नहीं होती है सच होता है आप जवान बना रहना चाहते हो आप जवान बने रह सकते हो आप जो रूप एक्वायर करना चाहते हो आप वो रूप एक्वायर कर सकते हो बट उसके लिए फिर आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए क्या कि यू थिंकिंग इन फ्रॉम हिज हार्ट नहीं कह रहा वो ध्यान रखिएगा इट्स नॉट सेइंग ही थिंकिंग फ्रॉम हिज हार्ट हम दिमाग से हिज थिंकिंग इन हिज हार्ट तो उन वो दिमाग से दिल के अंदर जा चुका है ओके अंदर चला गया है. इसको कहा जाता है जब हम इसको कहते हैं दिमाग दिमाग को कहते हैं मन जब आपका अंतर मन मन अंतर मन तक चला गया है तो वो दिल के अंदर जब चला जाता है उसको कहते हैं अंतर मन ओके वो अंदर जा चुका है तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तो जो आपको तपस्या लगेगी सो तो लगेगी परंतु तरीका यही है ठीक है जो जितना अंदर 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 चला जाता है उतना उतना आपका रूप उतना ही फ्लेक्सीबल होता चला जाएगा जितना आपका दिमाग बाहर से काम कर रहा है उतना आप अंदर की तरफ से नॉन फ्लेक्सिबल हो गए कि आपके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बॉडी और यू टू इट विल बी लिमिटेड पर जैसे कहते हैं ना मन अंतर मन की तरफ जा, जा, जाना तो वो जितना अंदर जाएगा न, दिल की तरफ जाता चला जा रहा है दिल में बैठी ना आत्मा तो वेन ही थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही तो यानी ये इस वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं इस समय आगे करते हैं these are among the greatest words of wisdom ever given but what do they mean for as you think in his heart so is he what you think in your heart is what you believe to be true beliefs are simply repeated thoughts with strong feelings attached to them like i catch colds easily i have a sensitive stomach I I find it hard to to lose weight. I am allergic to that. Coffee keeps me awake. All these are beliefs, not facts. अब एक तो अब... से okay? बार से ही हमने कुछ सुना सोचा या किसी ने कह दिया या बार 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 हमने किसी से सुन लिया तो आपने जो भी चीजें देखी है रिपीटेड करे कोई भी चीज़ आपने, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं है。पॉजिटिव किया, 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 भी, भी हो सकती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे कि आपका आप, 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 हो सकता है आप थोड़े चबी चाइल्ड हो हाँ पर आपने सोचा कि मैं तो बचपन से ही चबी था मैं तो बचपन से चबी था मैं तो हूँ ही चबी चाइल्ड मैं तो थोड़ा बचपन से ओवरवेट में था भाई मतलब क्या हुआ आप जब पैदा हुए थे आपको गोदी में बच्चा दिया था तो क्या कहा था डॉक्टर ने ये लो आपका ओवर बच्चा पैदा हुआ है अरे आप अगर आप हेल्दी भी थे जैसे कि वे आई वॉज बॉर्न आई वॉज वेरी हेल्दी मतलब हेल्दी हमारी मम्मी की तीनों ही बच्चे मीम बोथ यंगर ब्रदर्स लाइक पता नहीं सोलह पॉइंट बोलती थी वो मतलब सोलह पॉइंट हम लोग सोलह सोलह पॉइंट के पैदा हुए हैं सारे मतलब बहुत हेल्दी पैदा हुए हैं हम तीनों बच्चे तो मतलब क्या मतलब हुआ कि मतलब हम लोग मोटे पैदा हुए तगड़े पैदा हुए क्या पैदा हुए जो भी पैदा हुए हुए होंगे उस ट्रेंथ पे जो भी मामा ने खाया पिया होगा उस हिसाब से पैदा हो होंगे हम परंतु अब क्या आपके आपने सोच को कौन सी सोच को बार बार रिपीट किया अपनी फीलिंग्स के साथ जो आप सोच को रिपीट करो वैसे बनते चले जाओगे अगर आप बोलोगे कि मेरा पेट बड़ा है तो पेट बड़ा है बोलोगे कि मैं छोटा हूँ तो छोटा अगर आप बोलोगे कि मैं मेरे को जुकाम जल्दी हो जाता है जब भी मौसम बदलता है जुकाम हो जाता है मुझको तो वैसे ही है जैसे कि मैं मेरे मेरे पास एक सेंटेंस था क्या कि मेरे को मेटल सूट नहीं करता है कि मतलब मेरे को कोई भी अदर देन गोल्ड और सिल्वर इफ आई वेयर एनी अदर मेटल वो मेरे को एलर्जी कर देता है तो मैं क्योंकि बचपन से मैं बोलती थी तो वो सच में मुझे एलर्जी कर देता था जब भी मैं कुछ और मेटल पहनती थी तो खुजली हो जाती थी फिर वैसे एक टाइम के बाद मैंने सोचा मैंने कहा अच्छी बीमारी है ये तो ये तो अच्छी बीमारी है पूरी जिंदगी सी बहाने गोल्ड और सिल्वर ही लेना है <laughs> मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पहन ही नहीं सकते <laughs> तो, तो अच्छी मतलब मैंने उसको पावर दे दी होगी गुड फीलिंग दे दी होगी तो एनी तो आप देखो आपने क्या क्या बोला आपने अपने वेट के लिए क्या बोला अगर आपने ये बोला कि अरे यार सिक्स पैक्स बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है या आपने बोला कि यार जिम में जाकर तो मैं बोर हो रही हूँ या आपने बोला कुछ भी आई डोंट नो डिड यू से

अब वो आपके लिए बिलीफ बन गया वो सच नहीं है आप बोलोगे मैडम पर वो सच है। हाँ क्योंकि आपने बोला है वो सच है तो सच ही है फिर वो आपने बोला ना आपने बिलीव किया उसको मतलब हाँ ये एक कमाल की चीज़ है जो आप चीज बार 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 सोच रहे हो बोल रहे हो बिलीव कर रहे हो वो आपका सच बन जाएगा पर असल में देर इज नो ट्रूथ आउट देअ देर आर नॉट फैक्ट्स आउट देयर कुछ भी वहां पर बाहर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है अगर आप दो लोग चाहे दो सौ लोग चाहे दो हजार लोग चाहे दो लाख लोग चाहे दो, दो करोड़ लोग अगर आप एक ही चीज को बार बार सोच रहे हो बोल रहे हो तो हाँ आप लोगों का कॉमन बिलीफ है ये आज के डेट में ह्यूमैनिटी एक कॉमन बिलीफ में जी रही है ह्यूमैनिटी में बिलीफ बन गया कि हम सौ साल ही जी सकते हैं जिस दिन किसी एक बंदे ने इस बिलीफ को तोड़ा ना जिसने डेढ़ सौ साल जी के दिखाया तो इन सब का बिलीफ बन जाएगा उस दिन हाँ हाँ हम डेढ़ सौ साल भी जी सकते हैं हम डेढ़ सौ साल भी जी सकते हैं तो डेढ़ सौ साल जीने लग जाएंगे सारे लोग फिर एक दिन किसी कोई आएगा वो दो सौ साल करके दिखाएगा तो एक हिसाब लोग दो सौ साल जीना शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि आप अपने इंडिविजुअल बिलीफ में तो जी रहे हो कई बार औरों के बिलीफ्स को भी आप इनहेरेंटली एक्वायर कर लेते हो जबकि फैक्ट तो कुछ भी नहीं है कुछ भी चीज फैक्ट नहीं है जिस चीज को आप बिलीव कर रहे हो वो आपका फैक्ट बन जाएगा वो आपका ट्रूथ बन जाएगा और वो कई बार कम्युनिटी ट्रूथ्स भी होते हैं ओके कई बार नहीं मोस्टली कम्युनिटी ट्रूथ होते हैं और वो, वो लोग आपको वो पास ऑन कर रहे हो आप आगे वालों को पास ऑन कर रहे हो बस ऐसे चली जा रहा है और जो असली पावर है वो तो किसी को पता ही नहीं है तो वो लोग पावर थे जिनको जो, जो कभी भी अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं किसी वो बॉडी या इच्छाधारी तो कर सकते हैं पर आपकी आपकी इच्छा है कि आपने अपनी इच्छा को धारण कर रखा है क्योंकि जब आपकी सच में इच्छा दिल से होगी ना और आप दिल से उसको धारण कर लोगे ना तो एनीथिंग यू थिंक इन योर हार्ट यू बिकम सो सेकंड सेकंड में सेकंड सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हो <laughs> मैंने सेकंड तक नहीं पहुंची थी मैं दो साले साल में तो पहुंच गई थी कि सच में माय गॉड इट चेंजेस ना मैं तो मतलब कईयों ने तो करा भी है मैजिक बुक वालों ने है ना कईयों ने करा चेंजेस मतलब आंखों का कलर चेंज करके देखा है तो मतलब मैंने तो बहुत कुछ चेंज करके देखा है मतलब बॉडी शेप्स के अंदर बॉडी कॉम्पलेक्शन के अंदर और वो होता है सच में होता है अभी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूं क्यों क्योंकि आपका बिलीफ है आप आप क्या बिलीव करते हो वो 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 आ, आप, आपकी जिंदगी में काम करेगा अ बिलीफ इज पढ़े अ बिलीफ इज व्हेन यू हैव मेड अप योर माइंड द वर्डिक्ट इज इन यू हैव नेल्ड द डोर शट एंड थ्रोन अवे द की एंड देयर इज नो रूम फॉर नेगोशिएशन मतलब जहां पर But कुछ भी मतलब कर, नीचे करने का चेंज करने का आपने अगर सोच लिया है ना कि भैया चालीस के बाद तो नजरें कमजोर होती है अब आपने सोच लिया है। और उसके बाद वो उस सोच को अंदर बंद करके ताला बंद करके दरवाजा बंद करके चाबी फेंक दी कुएं में अब उसमें चेंज होने की अब जितना मैंने इतने सारे लोग देखे हैं ये ऐसे वाले जो कि फिक्स्ड है बहुत फिक्स्ड है मान ही मानते ही नहीं है उस बात को कि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी भी है नो रूम फॉर नेगोशिएशन कि भैया करके तो देखो एक बार दो महीने करके तो देखो जैसे कि मेरी अभी भाभी का एक्सीडेंट हुआ थोड़ा टाइम पहले

इसकी हड्डियों को थैंक यू करो इसके साथ देखो इसको बोलो कि आ, आप खड़े होकर मैं चल पाती हूँ या थोड़ा बहुत मूव कर पाती हूँ इसके लिए थैंक यू तो इसकी वजह से दूसरे दूसरे लाख में रिकवरी बहुत स्पीड में होना शुरू हो जाएगी हड्डियां मजबूत होनी शुरू आएंगी एंड शी जस्ट लाफ इट अवे अच्छा ऐसे हो जाएगा मतलब जो डॉक्टरों ने किया उन बेवकूफों का कोई उनको ये लगता था कि डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन किया बाहर जो भी था इसकी वजह से वो ये सफरिंग ले रही है ये जो भी था तो मैं कहती आप डॉक्टर को थैंक यू करो ट्रीटमेंट्स को थैंक यू करो आप देखना धीरे धीरे आप रिकवर कर हाँ 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 ठीक है हाँ 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 ऐसे ही होता है अच्छा ठीक है अच्छा मतलब मैं यहाँ पे बैठ के बोलूंगी और वहाँ पे no so have, have, hasna, खेलना, जो हम मस्ती करते थे ठीक है ना जब जब किसी का बिलीफ ही नहीं है मतलब उसने वो डोर शट कर दिया अपने दिमाग के अंदर

Most interested, जिनको पता है कि जिंदगी के अंदर ये चीज उनको चाहिए है और उनको पता ही अचीवेबल है और वो उस, उसको अचीव करने के लिए चाविया भी इस्तेमाल करने को तैयार है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं हर वे के अंदर एंडली स्किल करना मतलब उसी चीज को हम अप और अप लेवल भी तो कर सकते हैं ना ताकि और अच्छा रिजल्ट आए और जल्दी आए रिजल्ट तो आई थिंक चोजन दोंडफ़ल वेर एटलीट देर इज मेरे को नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे को नेगोशिएट करना ही क्यों है मैं अपनी एनर्जी क्यों लगाऊंगी मैं तो वहां लाऊंगी अपनी एनर्जी जहां पे सब चीजें चढ़ती कला में है जो चाहता ही है कि मेरे को आगे बढ़ना है जो चाहता ही है मुझे तरक्की में जाना है तो मैं वहीं लगाऊंगी ना जिसको पता है कि मेरे को अपनी बॉडी को यहाँ लेके जाना है बट वट एवर यू बिलीव एंड फील इज ट्रू जो आप सोचते हो कि सच है जैसे उसने सोचा हुआ था कि हाँ जो भी उसने सोचा था उसके जरिए वही सच हो जाएगा वट एवर यू बिलीव एंड फील इज ट्रू विल बी ट्रू फॉर यू मतलब मेरे पापा मेरे पापा के भी कई बार ऐसे हुए हैं एक्सीडेंट्स वगैरह ना और कई बार हड्डियों में ब्रेकडाउन आया है तो पापा जब भी हुआ कभी शोल्डर डिसलोकेट हो गया कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया क्योंकि पापा पुलिस में थे ना कुत्ते फांते ओहो, हो 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 पापा के किस्से पता है क्या सिंगम फेल है उनके आगे <laughs> सिंगम तो फिर भी चिंगम है उनके आगे <laughs> पापा का जो किस्से हो गया आठ आठ फीट की दीवारें टाप कर गुंडों के पीछे भागना आपको क्या लगता है पुलिस वाले सिर्फ पैसे खाते हैं अच्छा पुलिस वाले से पैसे खाते ना तुम्हारा तुम्हारी सिटी या होतेट इस समय जंगल राज बन चुकी होती मतलब तुम अपने घर में नहीं रह पाते होते ये तो पुलिस वालों की वजह से है जो अभी भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है आज आप अपने ताले बंद करके मतलब लोग मतलब आई होप यू नो कितना कुछ करते हैं पुलिस वाले है ना मतलब एंड व्हेन वी यूज्ड टू लिसन टू हिज किस्सा माय गॉड पापा कितने फिट थे कितने एनर्जेटिक थे कितने मतलब कितने बोल्ड थे और कितना बहादुर थे बहादुर में कई बार बोलते पापा बहादुर कैसे थे आप मतलब वो वो बंदा आगे आपको पता है ही मर्डरर और आप उसके पीछे भाग रहे हो और कई बार ऐसे मतलब ऐसे किसान सुनाते थे है, हैरान हो जाती थी, थी मैं कहते जब आप वर्दी में होते हो ना बेटा वर्दी का अपना एक, एक एक करेज होती है वर्दी जब तुमने पहनी होती है ना तो वर्दी की अपनी हिम्मत होती है ये आपको पता होता है कि आप कौन हो तो वर्दी का भी बहुत बहुत, बहुत मतलब मतलब वेरी वेरी गुड पर्सन आई really admire फादर लाइक द वे ही he एंड and uh, anyways तो बताना क्या चाह रही हूँ कि अगर उन्होंने सोचा हुआ है ना कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं फिट हूँ और मैं चाहे ये मर्डर है चाहे इसके पास कई बार वो बड़े बड़े कटार कट कटारियां क्या, 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 रखते थे बंदूकें चल रही होती थी कई बार रॉइड हो रहे होते थे पर पापा वॉज ऑलवेज क्लियर कि मैं मैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मैं इसको ओवर पावर मैं, मैं इसको जीत लूंगा और वो जिस भी उस पर जाते थे एनकाउंटर्स में जाते थे या जो भी होता था तो वहां पर वो जीत के आते थे मुस्लिम उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए मतलब अच्छे पुलिस वाले होने के तो क्यों था और देखने में आप मेरे पापा को देखोगे ना टिंगू से, तो, मतलब से, मतलब से है पांच फुट सात इंच की हाइट है वो नहीं था एक राजकुमार नाम से एक एक्टर होता था पतला सा सा जानी मेरे पापा वैसे दिखते थे बिल्कुल पतले से झुकड़े से तो ऐसे और बड़े बड़े आठ आठ फुट के गुंडो पावर कराते थे क्यों क्योंकि उनका बिलीफ था कि मेरे में बहुत ताकत है मेरी वर्दी में ताकत मतलब कि वट एवर यू बिलीव एंड फील इज ट्रू विल बी ट्रू फॉर यू अगर आप उसको बिलीव करते हो फील करते हो जो भी सच है आपकी शक्ति के बारे में आपकी बॉडी के बारे में वो आपके लिए सच बन जाएगा वेदर यूर बिलीव हेल्प यू और हार्म यू अब आपके बिलीव आपको कई बार हेल्प भी कर रहे होते नुकसान भी कर रहे होते हैं ओके और हम इसको देखेंगे आपकी जिंदगी में समय जो, <laughs> जो भी है या है, वो आप नहीं बनाया हुआ है और अपनी बॉडी के बारे में अपनी हेल्थ के बारे में तो है ही है हर चीज के बारे में वट एवर बिलीव यू गिव आउट द लॉफ अट्रेक्शन से आप पावर दे रहे हो उसको तथास्तु कर रहा है सो मेनी पीपल पढ़े Many people... people have more fearful beliefs about disease than they have good beliefs about health. It's not surprising because of the attention that is given to disease in the world. And you are surrounded by that every day. In spite of all the advances in medicine, disease is increasing because people have become increasingly fearful of disease. Yeah. मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि इतना कुछ जितना मेडिकल एडवांस हो रहा है ट्रीटमेंट एडवांस हो रहा है पहले ज़माने में एक दो को कैंसर हुआ करता था जैसे कि आनंद मूवी में जहां किसी को कैंसर हो जाए तो कितनी बड़ी बात होती थी याद है वो टाइम आपको मतलब वो आनंद मूवी वाला टाइम जिसमें राजेश जिस खन्ना को कैंसर था कैंसर ओहो, ओहो ऐसा लगता था कैंसर ना हो गया पता नहीं क्या मतलब भगवान ने कोई विश्वामित्र ने कोई राम भुण भुण कोई बड़ी बात ही हो गई है बहुत जबरदस्त तो वो जमाना भी होता था अब आज की डेट में कैंसर मूल्य गाजर का, मूल्य के भाव में बढ़ रहा है इस समय कभी देखा है आस आसपास आपने अच्छा उसको भी कैंसर हो गया अच्छा अच्छा अरे हाँ उसका भी कीमो चल रहा है ना उसको भी कैंसर हो गया उस फलाने को कहीं का कैंसर इसका कैंसर उसका कैंसर क्या कैंसर ऐसे चल रहा है जो मूली मतलब सब्जी की रेडी पे बात कर रहे होते हैं अच्छा अच्छा मिसिस शर्मा को भी कैंसर हो गया ओ हो हाँ मिसिस गुलाटी की तो भी रेडियो एक्टिव चल रहा है ना अच्छा अच्छा मतलब की जैसे होता नहीं आज आपने टिंडे बनाए हैं आज आपने ये बनाया है तो वैसे वाले लैंग्वेज में लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं बीमारियों की क्यों बढ़ रही है बीमारियां चाहे हम इतनी मर्जी तरक्की कर रहे हैं पर बीमारियां क्यों बढ़ रही है क्योंकि हमने बीमारियों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया हम बीमारियों के बारे में बातें करते हैं सोचते हैं उस बारे में और जिस के बारे में बार बार सोच रहे हो जिसके बारे में बार बार बातें कर रहे हो वो आपके थॉट प्रोसेस का रिपीटेड पार्ट बन गया अब जिस बात को रिपीटेड ये हो गया ओ हो 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 कैसे हो ओ हो हो आपने फीलिंग भी दे दी ओ हो मेरी जान मतलब थॉट्स भी दे दिए फीलिंग्स भी दे दिए हाँ वेलकम वेलकम टू द डंजन आपका स्वागत है बीमारियों की दुनिया के अंदर क्यों क्योंकि आपने अट्रैक्ट कर लिया अब अब ये ऐसे ही चल ऐसी गाड़ी तो यही चल रही है और हम कल देखेंगे डेप्थ के अंदर आज आप अपना अपना अपनी जिंदगी में देखो आपने कभी पिंपल्स मैं तो अपना तो बता रही मेरे मतलब पिंपल्स के बारे में इतने मेरे थॉट्स और फीलिंग्स होते थे नेगेटिव कि मेरी पूरी जिंदगी के जो साथी थे वो मेरे साथ और जिस दिन मैंने वहां से अपना ध्यान हटाया फीलिंग हटाई उन्होंने मुझे बाय बाय बोल दिया चले गए मेरी लाइफ से क्योंकि मैंने उनको पावर देनी बंद करी पावर कैसे होती है थॉट्स और फीलिंग्स को पावर कहा जाता है जितना आप थॉट्स फीलिंग्स और बोलने को बार बार रिपीट करोगे इस चीज पर उतना वो वहां पर और और और, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एक्टिवेट होंगे तो इसको हम लॉजिक के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और समझेंगे

इस चैप्टर में तो जितना आप क्वेश्चंस में रहोगे आगे वाले आने वाले दोनों चैप्टर तो तब समझ आएंगे जब आप थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखोगे एंड uh, सब कुछ समझ आ गया तो भैया आप तो भाई बहुत ही महान आत्मा हो तो नहीं आया तो पूछ लेना सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन सी यू टू अगेन थैंक यू अंजलि फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आर बी रेडी विद द असाइनमेंट यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर सेशन एंड आज की असाइनमेंट का नाम है इफ यू कैन चेंज द बिलीफ चेंज द बिलीफ आज आप सर्फ से कपड़े धोते हो मैं सोचने लगी थी एरियल निर्मा <laughs> आप आप सर्फ की ऐड क्यों कर रहे हो बोलते बताओ आप बोलोगे नहीं मैं सर्फिंग कर रहा हूँ नहीं आप सर्फ की ऐड क्यों कर रहे हो आज आप ऐसा लग रहा है वॉशिंग पाउडर नहीं मुझे वॉशिंग पाउडर सर्फ सर्फ से

एंड फिर उसका चेंज बिलीफ लिख के उसमें हम फीलिंग एंड पावर पूरा दिन देते रहेंगे आप <laughs> <That> <laughs> <laughs> मुझे तो बहुत मजा आ रहा है।, कोई है सर्फिंग करनी है अच्छा योर बिलीव लाइक देखो अपने अपने बिलीव के अंदर कि क्या है क्या है जो आपके ऑलरेडी बिलीव है सेहत के बारे में अपने बारे में अपने रंग रूप के बारे में अपनी बॉडी के बारे में अपने बारे में, अपने अपने कुछ भी अपने बालों के बारे में अपनी आंखों के बारे में अपने बिलीव्स क्या है पहले लिखो यू हैव टू सर्फ द बिलीव यू आर ऑलरेडी सर्फिंग इन जो बचपन से अभी तक आपका चल रहा है ठीक है तो क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि बिलीव क्या है हमारे तो अपनी बॉडी के बारे में हेल्थ के बारे में अपना नहीं तो दुनिया के बारे में जैसे आपको लगे कि हाँ इंसान सौ साल तक ज्यादा जीता है तो वो लिख लो अगर आपका कोई बिलीफ है अगर आपको लगता है कि हाँ दांत इतनी उम्र के बाद ये हो जाते हैं हड्डियाँ ये हो जाती है घुटना ये, ये हो जाता है जो भी आपके बिलीव्स हैं अपने बारे में तो द वर्ल्ड ऑफ योर योर ओन बिलीव्स एंड एंड फाइंड आउट आर कीप राइटिंग आप अपने सिर से लेके पाओ तक हेल्थ के बारे में अपने इनर हेल्थ के बारे में जो जो जो, जो आपको लग रहा है वो लिखिए दिल के बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है अगर आपको ये लगता है लिखो अगर आपको लगता है कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है लिखो आपको जो भी लगता है ठीक है वट एवर योर बिलीव आर तो द बिलवस यू आर सर्फिंग इन टू एंड वंस यू नो द बिलीव उसको ऑल्टर कैसे करना है वो तो बात की बात है परंतु अभी तो आज आपने लिस्ट बनानी है जो भी आपके बिलीफ हैं हेल्थ के बारे में और वो जरूरी नहीं आपकी आपके अपने मम्मी पापा के लिए भी हो सकते हैं जैसे कि फलाने को कोई बीमारी है तो वो हेरिडिटी में अगर दो चार को हो गई तो वो हम इस तक भी पहुंच सकती है तो देखो अपने क्रॉनिकल बिलीफ देखो वट एवर आई डोंट नो यू आर सर्विंग ऑन विच विच लहर राइट नाउ तो अपने 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 अलग अलग गोते लगाओ अपने बिलीफ ढूंढ के लाओ और लिखो बिकॉज आगे आने वाला जो सेक्शन है उसमें बहुत कमाल का आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आपने आज अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को पकड़ लिया तो ठीक है तो अब ये वाला असाइनमेंट तो एक हुआ अब आप बताओ आपके वाले असाइनमेंट में कैसे करना है इसको सेम में असाइनमेंट है अंदर से नाम थोड़ा बैठ मतलब तो 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 आपने प्रॉम्प्ट किया <laughs> आपने प्रॉम्प्ट किया सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रॉम्प्टिंग और beautiful assignments and beautiful beautiful way to stay fit and and have a great great life ahead thank you very much for all your joyful contribution and bringing this aliveness and joy in the session and assignment so beautifully thank you Beauty is my duty assignment so thank you for creating such a wonderful wonderful way to do these these very deep assignments thank you very much thank you for your love thank you for your support thank you यस yes, एवरीबडी चलो आज अपने अपने असाइनमेंट बस uh, ये सबने बिलीव लिखने वट एवर बिलीव यू हैव इन दर्ल्ड ऑफ योर हेल्थ और और वट एवर योर बॉडी सो लिखिए एंड लेट सी क्या उसका क्या आंसर निकलेगा आने वाले चैप्टर में सो यस अंजलि एनी सरिता जी मैम सरिता जी नहीं है हाँ. एक अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से रिलेटेड एक मैम कल टू टू फाइव में आनी ने एक रिकॉर्डिंग प्ले की थी उससे इसकी रिकॉर्डिंग है क्या और रिकॉर्डिंग है नाइटिंगेल की रिकॉर्डिंग प्ले कर और नाइटिंगेल की रिकॉर्डिंग प्ले करी थी वीडियो uh, पता ही नहीं मुझको क्या है पूछ लो मुझे पता मुझे मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता है, कौन क्या कैसे <laughs> पूछो मैं मैं पूछ रहे हैं स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय ऑल नाइटिंग गेल सर वाज आस्किंग टू सेव टेन इट कैन बी अ सेविंग इंस्टेड ऑफ गिविंग दे कुड हैव सेड

हिंदी <laughs> में पढ़ रहे हैं हिंदी में सीख रहे हैं हिंदी में तो उसने साफ बोला दस परसेंट का जो फॉर्मूला था तो इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया पहले उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए जिसका भी क्वेश्चन है हाँ तो हुँ वो हुँ तो हुआ। हुआ। अगर साइंस ऑफ गेटिंग रिच लाई है ना शायद यही थी ना ऑडियो yes हाँ तो अन लाइन जो बोल रहे हैं तो वो वो क्या बोल रहे हो सारी दुनिया बोल रही है, है क्या टेन परसेंट का है क्या मतलब होता, इस दुनिया में आए हो आप इस दुनिया में जी रहे हो दुनिया में नौकरी कर रहे हो दुनिया के अंदर एक बिजनेस कर रहे हो यहीं पे अपना कमा रहे रहे हो हो जो भी कर यही तो कर रहे हो तो आप हर चीज ये सोचते हो कि मैं सब कुछ अपने लिए हड़प लू मैं कमा मैं अपने पास रख लू हाँ आप अगर सोसाइटी से कमा रहे हो तो सोसाइटी को पे भी तो करना पड़ेगा ना जैसे अंगीठी वाला एग्जाम्पल था अंगीठी में आप नीचे से आग डाल रहे हो नीचे से उर्धन ईर्धन डाल रहे हो ऊर्जा डाल रहे हो तभी ऊपर से आग बनी रहेगी ना बाहर आने के लिए अगर आप नीचे से कोयला डालना बंद कर दोगे तो एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा तो like इज लाइक जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बैक टू तो in तो इन गुड वे गुड गुड सर्कल्स, एनर्जी के सर्कल्स चलाते रहना। चाहे वो आप समय का दान दे सकते हो अगर, अगर मेरे पास सपोज पीछे से कोई सप्लाई आ रही है नॉलेज की ज्ञान की आंसर की कोई भी सप्लाई आ रही है जो ऑब्वियसली आई एम अर्निंग जो भी है तो एक तो मैं क्लासेस लेती हूँ जो मेरे पे, पेड क्लासेस होती है और जो मैं So, so uh, 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 so, वहां तो पैसा लेती हूं पर एक परसन पर पर्टिकुलर आ, कुछ साल के अंदर इतना टाइम अगर मैं साल में तीन सौ पैंसठ दिन हैं तो मैं उसमें इतने आवर्स में अगर काम करती तो इतने का, आवर्स का मैं ज्ञान भी फ्री में देती हूँ

और उसको पता ही है ये वाला फॉर्मूला तो दस किलो आलू को गुरुद्वारे में भेज देते हैं या मतलब किसी लेडीज को एनजीओ वगैरह में भेज देते हैं वो तो ऐसे क्यों करते हैं क्योंकि दिस इज हाउ दे वर्क बिकॉज दे नो कि उनके खेत भी तभी बरकतों में रहेंगे अगर वो टेंथिंग करते रहेंगे तो क्योंकि करने से मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव बट अराउंड अराउंड कम्स वाला तो अगर आप खुशी खुशी अच्छे वे में देते हो तो टेंथिंग इज अ रूल जो उन्होंने भी बोला है ने भी बोला है और सिखिज्म में तो ये हमारा वो होता है एक वन ऑफ द पिलर होता है दस बंद करना तो अब वो कैसे करना होता है वो हमारी चॉइस होती है पर आप अपने स्वार्थ के लिए ना करके उसको निस्वार्थ भावना से किसी के साथ शेयर करोगे ये तो हमारे को बोला जाता है इज इट आंसर यस मैम एक्चुअल क्वेश्चन उनका शायद ये है कि टेन परसेंट तो सेव भी तो करने के लिए उन्होंने बोला सेव कर ले वो देने की बजाय बाकी नाइनटी का क्या कर रहे हो डार्लिंग एक नेट प्रॉफिट में से वो देने को बोल रहा है नेट मतलब कि अगर मेरे महीने का अगर मैंने सपोज पांच हजार रुपए में कमाती हूँ तो कमा एक तो होता है कमाई में से एक होता है जो कट कटा के फाइनल मेरे पास आया जो कि मेरे मेरे को मिला खर्चने के लिए जो मुझे मिल गया फाइनल नेट हो गया जिसमें टैक्स भी कट गए और मेरे अगर मैं बिजनेस चला रही हूँ तो मेरी जो बाकी लोगों को सैलरी देना है रेंट देना है जो भी करना कर कर आके जो मुझे फाइनल बचा तो ये तो मेरे को मेरे खर्चे के लिए बचा ना अब इस खर्चे के लिए मैं चाहे इसके अंदर से चाहे मैं इसको सेव करूँ चाहे मैं खाना खाऊं चाहे मैं डोनेट करूँ जो भी करना करो अगर आप अपने लिए ओपन लगा लगा लो बरकत तो उतनी रहेगी जो जित अभी है अगर आप अपनी जिंदगी में जैसे कि हम सिखिज्म में क्या बोलते हैं कि बहुत कमाल की साइंस है ये जो समझो ध्यान से तो मतलब में अरदास के वक्त बोला जाता है कि दसवंत विच वादे वादे बक्षना। वादे बक्षना मतलब कि वो ये नहीं कह रहे कि मेरी सैलरी में बढ़ोतरी दो वो ये नहीं कह रहे मेरे प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी दो वो कह रहा है कि मेरे दसवंत में बढ़ोतरी बख्शो मेरे को दो दसवंत में बढ़ोतरी बख्शो तो वो यूनिवर्स क्या समझेगा आप किसी की हेल्प कर रहे हो आप अपने एक हजार रुपये किसी को दे रहे हो आप कह रहे हो कि मैं भगवान में इतनी कृपा करो कि मैं अपने जो दसवंत कर रहा हूँ आज एक हजार रुपये का ये अगले महीने में दो हजार रुपये का कर पाऊँ तो आप दो हजार रुपए लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ अपने स्वार्थ भावना में आप बांटना चाह रहे हो उनके साथ तो

दसवंत के टाइम पे कुछ बोला था तो मैं ना मैं भी दसवंत को मानती नहीं थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी वो करती थी दसवंथ खुद इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में होती थी कई बार हाँ घर के खर्चे और ये सब कुछ और फिर वो दसवंत में ऐसे किसी को बांट रही होती आई टू फील हर सो एंड मैं अपने पे खर्च ले मत तेरे, इतने कर्जे चढ़े मैं इनको उतार तू किसी को ऐसे क्योंकि दे सड़क पर कोई भी मिल रहा ऐसे बांटी जा रही है पैसे तो दिस इज सो स्टूपिड दस दसवंत तो वो करे ना जो खुद बड़ा वेल ऑफ हो तो तब मेरी को याद है मेरी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट हुई थी उससे एक बार तो आई डी बिलीव इन दसवंत एट ऑल मतलब मुझे

And, uh, मैं तो अब इसलिए करती हूँ क्योंकि uh, क्योंकि नहीं मैं पहले भी करना शुरू हो गई थी काफी टाइम से but वो मुझे से ऐसा लगता था कि मतलब कि ठीक है मैं अपने तो खर्चा करती हूँ पे भी खर्चे मेरे जो भी घर पे भी मैं करती हूँ तो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू सम फॉर सेल्फलेसली की मतलब कि जहाँ पर बस इसलिए करना है क्योंकि करके अच्छा लग रहा है कि आप किसी के काम आ रहे हो तो ऐसे करके मैंने मैं करती थी उस टाइम पे पर उसमें so पर मुझे नहीं पता था कि ये ये सर्कल आपस में चल रहा है कि मैं मैं में इसलिए मैं शेयर कर रही हूं मैं शेयर कर रही इसलिए मैं में शेयर कर रही हूँ और मैं शेयर में वो कर रही हूँ इसलिए मैं अबंडंस में हूँ तो दिस इज हाउ इट हैड अ सर्कल वो मुझे बाद में पता चला अच्छा साइंस होती है बट एनी वेज तो आप जैसे कीरत करना वन छकना दसवंत करना दिस इज अ अम्प्लीट सर्कल अब आप कीरत ही नहीं कर रहे हो हाँ आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप वन छकोगे कैसे मतलब हाउ विल यू शेयर विद द पीपल और शेयरिंग के अंदर आप कर रहे हो तो आप शेयर पहले कर, मेहनत करो शेयर करो मेहनत करो शेयर करो आप शेयर करो कर, इसलिए आपकी मेहनत में और वादा आप बढ़ोतरी होगी तो दिस इज हाउ द सर्कल गोज बट आई होप अगर आप सोच रहे हो इस बारे में यू विल गेट योर आंसर बाय योर सेल्फ क्योंकि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आई होप यू शुड गेट एन आंसर बाय ओन इनर सेल्फ अंदर से आवाज अपने आप आ जाती है जब जरूरत पड़ती है तो

<laughs> चलो जी थैंक यू वेरी मच एंड इज असाइनमेंट ऑल अबाउट बिलीफ जो भी बिलीफ है आपका उसको बिलीफ को लिख लो क्या है बिलीफ ठीक है तो आप चाहे चाहो तो पैसों की दुनिया में भी अपने बिलीफ लिख सकते हो पर फिलहाल हम हेल्थ की दुनिया में एंटर कर चुके हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी सपोर्ट ऑफ ऑफ ऑल द टीम्स थैंक यू आचार्य जी थैंक यू अंजलि थैंक यू सरिता जी थैंक यू शैला थैंक यू नोना थैंक यू एनी एनी यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एवरीथिंग अराउंड Thank you very much for being such an angel in our lives. Thank you, Annie, for all your support. Thank you, Betaji, for being such a such a channel of joy in our life. Like you are, you. are Aire, Aire, So thank you very much for being such a beautiful channel of joy in our life. And thank you everyone for your voice, for your picture, for your for your contribution, for your sharing, for your question. Everything means a lot so thank you very much and we will go for a head with the with the with the discovery of health very soon in the chapter all the best to all of you thank you very much love you all see you again thank you thank you anchali thank you sahitaji thank you betaji love you